बिश्नोई कनाडा के अंदर लोगों को मरवा रहा है। अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक गैंगस्टर, जिसको भारत सिर्फ गैंगस्टर मानता है, वो कनाडा के अंदर अगर लोगों को मरवा रहा है, तो कनाडा की LIU लोकल इन्फॉर्मेशन यूनिट क्या कर रही है, कनाडा की रो एजेंसी क्या कर रही है, कनाडा की पुलिस क्या कर रही है? मतलब अगर हमारे देश का छोटा सा गैंगस्टर अगर कनाडा को ठोक सकता है, तो जिस दिन इंडियन आर्मी से इनका आमना सामना हो गया, फिर क्या हालत होगी इनकी? ये सिर्फ और कनाडा का संबंध लगातार खराब होता चला जा रहा है। ऐसे में आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जिस तरीके से हिंदू मंदिर पर ये बर्बरता की जा रही है, उन श्रद्धालुओं के साथ जो घटना की जा रही है वो कितनी निंदनीय है। आम जनमानस है, दिल्ली में हम इस समय मौजूद हैं, सीधे जुड़ते हैं, क्या कहेंगे आप? कनाडा पहले कह रहा कि भारत जो है दुश्मन है, और अब हिंदू मंदिर में इस तरीके से? देखिए देखिए, सिख धर्म आया कहाँ से? सिख धर्म आया कहाँ से? गुरु गोविंद सिंह साहिब जी क्या बोले थे, एक हिंदू घर से एक लड़का चाहिए। एक हिंदू घर से एक लड़का आया, उसको पंच ककार दे करके उसको खालसा की फौज बनाए, अकाल पुरख की फौज बनाए। आज जो है ना, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हमें दशमेश पिता, हमें जो खालसा पंथ जो बनाए हैं जुल्म को रोकने के लिए, हाँ, जुल्म से लड़ने के लिए शस्त्र उठाने सिखाए हैं, है ना, कृपाण उठाने सिखाए हैं कि जुल्म को जो है ना रोकेगा, नारियों की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो हमें खालसा पंथ सजाएं, अकाल पुरख की फौज बनाएं। तो हम जो है ना गुरु के बताए हुए रास्ता पर चलने वाले लोग हैं। जितना हम जो है ना अपना धर्म का इज्जत करते हैं, उतना ही हम हिंदू धर्म का भी इज्जत करते हैं, सभी धर्म का इज्जत करते हैं। मानस की जात एक पहचान, वो सबको लेके चलने वाले हैं। और जो पंजाब में जो विदेशी जो कुछ लोग जो है विदेश से या बाहर से आकर के अगर रह गए हैं 20 साल 25 साल, वो क्लियर पंजाबी बोलते हैं, क्लियर पंजाबी बोलते हैं ना। गुरुद्वारा में गुरमत कैंप चलती है, वहाँ पर पगड़ी बांधने भी सिखाया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर कोई पगड़ी पहन करके वो ऐसा क्लियर पंजाबी बोलना सीख लिया, जो वो कहीं जा करके उल्टा सीधा काम करता है, कोई हिंदू भाई को पिटाई कर देता है, वहाँ नाराबाजी लगा देता है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोल देता है, तो सीधा सीधी सिख टारगेट में आ जाता है कि नहीं? तो ये चीज़ को जान लीजिए, ये साजिश है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से वोट बैंक के लिए दो देशों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को भगाने का काम करा। आप एक तरफ भारत को गाली दोगे, दूसरी तरफ आप सोचोगे भारत के साथ व्यापार करो, अमेरिका के साथ व्यापार करो, ये होने वाला नहीं है। आपको फ्रंट फुट पर आकर के सही सही चीज़ें रखनी पड़ेंगी। जस्टिन ट्रूडो 4 महीने के अंदर इलेक्शन हारने वाले हैं, उसकी बौखलाहट है। मैं आपको बता रहा हूँ, कनाडा में चुनाव है इसीलिए तनाव है, चुनाव खत्म हो जाएगा तनाव खत्म हो जाएगा। बार बार कह रहे कि भारत नहीं चाहता है कि ट्रूडो फिर से जो है प्रधान यहाँ प्रभाव पे आए, पावर में आए, क्या यही वजह है क्या कि जिस तरीके की ये घटना है? तो भारत का मोदी जी के वोट से अगर जस्टिन ट्रूडो राष्ट्रपति बन रहे हो तो मोदी जी नहीं देंगे, मेरे वोट से अगर जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बन रहे होंगे तो वो बात अलग है। वहाँ तो कनाडा की जनता को वोट देने, मोदी जी को थोड़ी वोट जाके देना है या भारत के लोगों को जाकर के वहाँ वोट करना है। वोट तो कनाडा की जनता को करना है, और कनाडा की जनता ने 2 बार भी ट्रूडो को बहुमत नहीं दिया, ये जोड़ तोड़ की सरकार बना के चला रहे थे काम। अब लेकिन कनाडा की जनता त्रस्त है, कनाडा की जनता भी बच की तलाश में है, अच्छे विकल्प की तलाश में, तो ट्रूडो को मिर्ची लग रही, इसीलिए सारा राजनीतिक प्रोपेगेंडा। सवाल ये है कि भाई आखिर में ट्रूडो का अचानक इतनी जो है हिंदुओं के प्रति जो भावना है, अभी बांग्लादेश में जिस तरीके की बर्बरता हुई, अब यहाँ कनाडा में हुई, यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद है हिंदुओं की, लेकिन अगर हिंदुओं के साथ ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा? देखिए, कनाडा का जो क्षेत्रफल है भारत से बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कनाडा का है। उसके बाद भी कनाडा के अंदर सिर्फ 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, इतने तो हमारे केवल दिल्ली में रह रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग रह रहे हैं, और कनाडा के पास भारत से ज़्यादा ज़मीन है। तो मैं कहता हूँ, एक छोटा सा खालिस्तान आप कनाडा में बना दो ना, आपके पास तो बहुत ज़मीन है, ये भारत के अंदर क्यों खालिस्तान बनाना आपने? ये सिर्फ और सिर्फ 5 लाख वोट बैंक के लिए जस्टिन ट्रूडो सारा काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। रफा जो बात चलती थी, अब तो हिंदू कहीं दूसरे देश में सुरक्षित ही नहीं है, आप यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। तो उन देश में जो हिंदू रह रहे हैं, जो अपने घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने गए थे, तो आइए ना देश में वापिस, वहाँ की व्यवस्था खत्म कीजिए ना। जो ट्रूडो आज प्रधानमंत्री के रूप में अपने आपको विकसित कर रहा है, जो सिखों को और हिंदुओं पर नरसंहार कर रहा है, तो क्यों नहीं उनका मुंह तोड़ जवाब देते? जब तो कहते कनाडा गए थे, वहाँ की सड़कें बड़ी चमकदार है, हिंदुस्तान बेकार है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जब हिंदू होकर हिंदुओं की पीड़ा सहन करते हैं, आज क्यों मौन है सारा विपक्ष?
जो हिंदुओं के ठेकेदारों की बात करते हैं, आज कहां गए हुए हिंदू के ठेकेदार जो आज बात करते हैं, जो कहते हैं बांग्लादेश की बात करते हैं, जब योगी जी बोलते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो क्या कहते हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा किनको कर रहे हैं? ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं कि हिंदुओं पिटवाओगे और जो बात कर रहे हैं हिंदुओं के मंदिर तोड़वाओगे, ये इकट्ठा करने का वह विपक्षी चाल है। और जो आज ट्रूडो के हौसले बुलंद है, तो इसमें बड़ा ही गहरी चाल है। और चाल के तो कह रहे हैं भाई साहब, ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत चाहता ही नहीं कि मैं प्रेसिडेंट बनूं दोबारा। अरे भारत के लोग जाकर वहां पर वहाँ की व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसी पंजाब से सबसे ज्यादा लोग हमारे सिख भाई वहाँ के व्यवस्था चला रहे हैं। तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा, ऐसी व्यवस्था चंद्रमा दो, जैसे पाकिस्तान आटा की भीख मांग रहा है, ऐसे कनाडा भारत से भीख मांगे। क्योंकि आप युवा जो वहाँ पर जाकर उसको डेवलप करने की बात करें, आप छोड़ के आए, आप वापिस आए और कहीं पे भी जाए, अपने देश की प्रभु सत्ता के लिए, हिंदुत्व के लिए, आप सनातनी के धर्म को निभाने के लिए, आप हर एक उसके लिए जो हमारे गुरु गोविंद सिंह कहते थे ग्रंथ की बात है, तो कनाडा छोड़कर इस देश को चमकाने की बात करें, उसकी व्यवस्था को आटा और जो महंगाई जब विकसित होगी, तो प्रधानमंत्री क्या उनको तो सपने में भारत दिखाई देगा। आज जैसे पाकिस्तान का हाल हुआ है, ऐसे ही कनाडा का हाल ये होना चाहिए। और देश की सरकार से भी अपील करूंगा कि ऐसा सबक सिखा दे, ऐसा दिखा दे कि कनाडा की हिम्मत ना पड़े, कि राज हमारे देश के राजनीतिक होना हो और जो बात हो तो दंगे की चोट पे हो, पाकिस्तान और कनाडा के हौसले प्रस्त हो और कनाडा के जैसे विकसित देश को जूझना पड़े और भारत के सामने भीख मांगनी पड़े। ऐसे लोगों से मेरी अपील है, और हमें जो चाहता हूँ और करने की आप में क्षमता है, तो छोड़ दीजिए कनाडा, आ जाए स्वदेश में। कनाडा ही छोड़ दीजिए, क्या कहेंगे भाई साहब आप? मैं सब में आए मेरे को नहीं बोल पाइए भाई साहब, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप, मसाले को देखते हैं? ये विडम्बना है, यहाँ पर एक हिंदू पिटेगा सब देखेंगे, और जब कहेंगे दूसरा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये फर्क है। आज कोई बोलने की तरह, और यहाँ पर सनातन की बात आती है, ग्रंथ की बात आती है, जब बात आती है तो ये है, सरकार के हौसले पर बुलंद है। और मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूँ और उच्चायुक्तों को कहना चाहता हूँ, दिखा दीजिए, लेकर आइए अपने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने देश में विकसित कीजिए, और लेकर आइए सारे भारतीयों को भारत स्थापित कीजिए, और जो गए हैं अपने अंदर झांकिए, आपने कितनी बड़ी गलती की है, और उस देश को चमकाने के बदले आपको वहां पर पिटाई मिल रही है। ऐसे कहते हैं कि भारत से तो विदेश है, वहां की सड़कें, वहां का कानून सबके लिए समान। अरे कहां गया आपका वहां का कानून जो हिंदुओं की पिटाई देख रहा है, कहां गया वहां का कानून जो ऐसा नरसंहार देख रहा है? तो ये देश के लिए बड़ी विडंबना है। क्या कहेंगे भाई साहब, कनाडा में जिस तरीके की हालत हो रही है, हिंदू मंदिर पे श्रद्धालु ही सुरक्षित नहीं है? देखो जस्टिन ट्रूडो जो है, सबको मालूम है, प्रो खालिस्तानी, हिंदू का वोट तो उनको मिल ही नहीं रहा वैसे भी, और हिंदू वहाँ पे इकट्ठे भी हो रहे हैं, हिंदू जागृत भी हो रहे हैं। क्या पता ये पॉलिटिक्स के चलते ही, देखो क्या पता नहीं, ये वहाँ पे पॉलिटिक्स के चलते ही जस्टिन ट्रूडो को अपनी हार भी दिख रही है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने सिर्फ एक समुदाय का पक्ष लेकर दूसरे पक्ष को नाराज किया। हिंदू भी कम नहीं है, 3.5 लाख के आसपास संख्या है उनकी भी वहाँ पे है, और इतना स्टूडेंट जा रहा है। इन्होंने प्रो खालिस्तानी के चक्कर में, निज्जर की हत्या के चक्कर में, हालांकि एक सबूत नहीं दे पाए, निज्जर की हत्या का इन्होंने आरोप तो लगा दिया, अमेरिका ने बोला कोई एक सबूत तो लेकर आओ, इन्होंने उसके चक्कर में अपना इतना नुकसान किया भारत के साथ। 140 करोड़ की आबादी, दुनिया की मतलब इतनी बड़ी कंट्री, आबादी में भी और हर लिहाज में इन्होंने भारत से संबंध खराब करके अपने लिए गड्ढा खोदा है। इनको अपनी हार दिख रही है, भारत हमारे दुश्मन देशों में शुमार कर रहा है, उन्होंने लिस्ट बना दी 5 देशों की। देखो लिस्ट उन्होंने जो बनाई है, ओपोजिशन को भी मालूम है कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई जस्टिन ट्रूडो की। जस्टिन ट्रूडो को जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार यहाँ हुआ, भारत में आए मोदी जी ने घास नहीं डाली, ये कह रहे थे मेरी मीटिंग कराओ इनसे, आपको मालूम है कितने टाइम पे तो ये प्लेन में पड़े हुए थे, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। कोई कह रहा है इन्होंने इतना नशा कर रखा है, जब नशा उतरेगा तो ये बाहर उतरेंगे। तो मतलब कई तरह के वो जो है, वो दूसरे राहुल गांधी है जी वहाँ के। मैं आपको बताऊँ, जस्टिन ट्रूडो जो है ना, ये कनेडा का राहुल गांधी है दूसरा,
इसको नहीं मालूम कि कहाँ पे किस तरह की बात करनी है, कैसे इतनी बड़ी, देखो भारत जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसे कैसे डील करना है, क्या नफा नुकसान होगा क्या नहीं, सिर्फ थोड़े से खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए। G20 पे आए थे, इनकी खुद की प्लेन खराब हो गई, भारत ने प्लेन जो है इनको सुरक्षित भेजा, व्यवस्था सारी की गई, उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना नहीं देखना चाहते। ये प्लेन जो खराब है ना, ये मोदी जी से मिलना चाह रहे थे, उसके चक्कर में प्लेन खराब का बहाना करके जी 2 दिन 3 टिके रहे, बाकी सभी लोग वापिस चले गए थे, लेकिन जी सबके बाद में गए, ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार से मोदी जी के साथ इनकी मीटिंग अरेंज हो जाए। मोदी जी ने घास नहीं डाली इनको, बिल्कुल साजिश है। अभी बांग्लादेश, उसके बाद फिर कनाडा, कनाडा इसके पहले भी कह रहा था कि भारत हमारा जो है दुश्मन देशों में शुमार कर रहा है। बांग्लादेश में कोई सरदार गया क्या मारने के लिए? हिंदू भाई को, हमारे हिंदू भाई हो उसको जो है, कोई भी हो, किसी को मारने के लिए कोई सरदार गया क्या? बांग्लादेश में जो है ना एक कार्रवाई हुआ है, राहुल गांधी जी जाकर के मिले थे, वहाँ का जो प्रधानमंत्री का बेटा ना कौन है उससे जाके विदेश में मीटिंग किए थे। हाँ जी, और एक साजिश के तहत ये तो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि भैया बांग्लादेश वाला मॉडल यहाँ आ जाएगा। देखिए बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, अब कनाडा जो है दुश्मन देश एक तरीके से भारत को बता रहा है, और अब हिंदू मंदिरों में हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा, उनको मारपीट उनके साथ की जा रही है। देखो जो जस्टिन ट्रूडो है, ये एक बात बताओ, ये हारा हुआ व्यक्ति है, ये चुनाव हार गए, अब इनको पता है कि 4 महीने में इलेक्शन होने वाला कनाडा के अंदर दोबारा से, उन्होंने कनाडा के जनता के लिए तो कुछ काम करा नहीं, अब इनको एक वहाँ पर वोट बैंक बनाना है, एक वोट बैंक को साधना है, इसलिए हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करवा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कनाडा के अंदर लोगों को मरवा रहा है, अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक गैंगस्टर, जिसको भारत सिर्फ गैंगस्टर मानता है, वो कनाडा के अंदर अगर लोगों को मरवा रहा है, तो कनाडा की LIU लोकल इन्फॉर्मेशन यूनिट क्या कर रही है, कनाडा की रो एजेंसी क्या कर रही है, कनाडा की पुलिस क्या कर रही है, मतलब अगर हमारे देश का छोटा सा गैंगस्टर अगर कनाडा को ठोक सकता है, तो जिस दिन इंडियन आर्मी से इनका आमना सामना हो गया फिर क्या हालत होगी।